लेट्स स्टार्ट क्लास 8 कक्षा 8, जहाँ पर पिछली वीडियो में हमने ख़त्म करा था उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक द प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। जो प्लैनेट हैं, जो जिनको हम हिंदी में कहते हैं जो ग्रह हैं, तो वो तारों की तरह दिखाई देते हैं। बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। मगर उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता। दे मेरिली रिफ्लेक्ट द लाइट डेट फॉल्स ऑन देम। वो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी उन पर गिरती है, तो वो उसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स में, ग्रहों में और तारों में क्या अंतर होता है, क्या आप बता सकते हैं? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार ट्विंकल। जो सबसे आसान तरीका होता है इनको पहचानने का, ग्रह को और तारों को, वो ये है जो तारे होते हैं वो हमारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं। वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। जो ग्रह होते हैं जितने भी, तो वो टिमटिमाते नहीं हैं जैसे तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है इन्हें पहचानने का, ग्रहों और तारों में अंतर जानने का सबसे आसान तरीका है। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। जो ग्रह होते हैं कीप चेंजिंग देयर पोजिशन, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं तारों के मुकाबले। अ प्लैनेट हैज़ अ डिफाइनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट जो होता है, वो ग्रह जो होता है, उसका एक डिफाइनाइट पाथ होता है, उसका एक रास्ता डिफाइनाइट पाथ होता है, एक तरीके से फिक्स पाथ होता है, रास्ता समझ लीजिए एक तरीके से, जैसे कर्व रोड, ये घुमा हुआ रोड होता है ऐसे बिल्कुल, तो वैसे ही एक रास्ता होता है इनका, कि इसी रास्ते में इन्हें रिवॉल्व करना होता है, घूमना होता है सन के आसपास, सन के पास में इन्हें एक इनका डिफाइनाइट पाथ होता है, डेफिनाइट पाथ होता है, जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और बहुत सारी बुक में अलग लिखा होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ। अकॉर्डिंग टू साइंस, तो ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। इस बात को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो समय लगता है एक ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में, सन के पास में, सूरज के पास में एक चक्कर लगाने को, तो उसको कहते हैं इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा, अगर वो पीरियड इंक्रीज होगा रिवॉल्यूशन वाला, तो वो डिस्टेंस जो है प्लैनेट का, वो भी दूर हो जाएगा सूरज से। जितना सूरज से दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये प्लैनेट जो ग्रह जो होते हैं वो टकराते क्यों नहीं है, डू नॉट कोलाइड, भिड़ते क्यों नहीं है आपस में, जब ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, सन के आसपास जब ये रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, 4 या 5 दोस्तों को लेकर जाइए प्लेग्राउंड में, बाहर जाइए। ड्रॉ 4 circles ऑफ रेडियाई 1 meter, 1.8 meter एंड 2.5 meter एंड 3.8 meter, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर, और जिसमें होगा एक कॉमन सेंटर।
1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, जिसमें होगा एक कॉमन सेंटर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। अपने एक दोस्त से कहिए कि वो एक दोस्त से कहिए वो बिल्कुल बीच में खड़ा हो, बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो इस सर्किल के, जिसकी रेडियाई 1 हो या फिर 1.8 मीटर हो या फिर 2.5, 3.8, जिसका एक ही सेंटर हो। तो उसमें इन सारे सर्किल जो बनाए हैं, इसका जो सेंटर जो एक जो रखा था उस पॉइंट पर, उस अपने एक दोस्त से कहिए वहाँ आकर वो खड़ा हुआ है। एंड रिप्रेजेंट द सन, और वो किसे दर्शा रहा है, किसे बता रहा है, सूरज को। योर अदर फोर फ्रेंड्स मे रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और जो बाकी और दूसरे जो फ्रेंड हैं वो और दूसरे ग्रहों को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ए आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन देयर ओन ऑर्बिट। डू दे कोलाइड विद वन अनदर। अब अपने दोस्त से कहिए, आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन। तो ये सन हो गया, जैसे इस पिक्चर में शो करा है, ये एक बीच में बिल्कुल सेंटर में ये सूरज है, ये सन लिखा हुआ है, इसे सूरज मान लिया, और इसे वीनस, मार्स, मरकरी, अर्थ। तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। इसकी रेडियाई होगी तो वो होगी 1 मीटर, और इसकी हो गई वीनस की 1.8 मीटर। तो ये सर्किल बड़ा हो गया, अब ये और बड़ा हो गया उससे, इसकी रेडियाई हो गई 2.5 मीटर अर्थ की रेडियस सन से। तो ये और बिगर सर्किल हो गया, और मार्स वाला सबसे बिगर सर्किल हो गया। तो क्या ये आपस में टकराएंगे इस पिक्चर में देखकर, आपको क्या लगता है? सो आपको बताना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करिए लाइक, सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो ऑफ क्लास 8। थैंक्स यू।